टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी की वेबसाइट किसी की एप्लीकेशन की कॉपी की जा सकती है, पर इतनी बेहतरीन कॉपी की जा सकती है आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इजीपे के बारे में। इजीपे के नाम से सेम लोगो, सेम डिजाइन, सेम कलर, सेम थीम वाला एक फर्जी वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, जो मार्केट में लोगों को गुमराह करके फर्जी करने का कोशिश कर रहा है। ये जानकारी मुझे इजीपे की तरफ से 3 दिन पहले ही मिल चुका था। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिला होगा, क्योंकि हमने अपने ग्रुप में ये मैसेज किया था। इसमें एक यूट्यूबर भी मिला है जो ज़्यादा कमीशन की लालच देकर अपनी आईडी को सेल कर रहा है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा कमीशन की लालच में आकर उससे आईडी परचेज कर रहे हैं। तो जो इजीपे का ओरिजिनल वेबसाइट है उसका और जो फर्जी वेबसाइट बनाया गया है, दोनों पोर्टल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सो वीडियो के साथ लगातार बन रहिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अनजाने में उस फर्जी वेबसाइट की पोर्टल ले लें और आपके साथ काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाए। मैं आपको दोनों पोर्टल को दिखा देना चाहता हूं। हम यहां पर आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पर आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल पोर्टल है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, उसका यूआरएल यहां पर आप देखेंगे ईजीपे.ऐप। इसका स्पेलिंग अगर आप चेक करें तो यहां पर EZEEPAY.APP। और यहां पर मैं आपको फर्जी वाले वेबसाइट पर ले चलता हूं। आप यहां पर डिजाइन देखेंगे, डिजाइन दोनों को सेम मिलेगा, पर यहां पर आप यूआरएल चेक करेंगे तो जो फर्जी वाला पोर्टल है उसका यूआरएल है EZEEPAYCARE.com। जो फर्जी वाला वेबसाइट है उसका यूआरएल है EZEEPAYCARE.com, और जो ओरिजिनल है उसका यूआरएल है EZEEPAY.ApP। पर अगर डिजाइन और लोगो यहां पर देखेंगे तो दोनों को यहां पर सेम आपको मिलेगा। सबसे पहले हम आपको ओरिजिनल वाला चेक कराते हैं। यहां पर देख सकते हैं लोगो इस तरह से है, और यहाँ पे इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ आपको मिलेगा, सेम टू सेम यहाँ पर मिलेगा। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से डिजाइन, जिस तरह से इसका थीम है, यहाँ पर आप देखेंगे। अब हम आपको चलते हैं लेकर जो फर्जी यहाँ पर बनाया गया उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे उसका भी लोगो यहाँ पर आपको सेम मिलेगा, और उसके भी यहाँ पर जो मेनू है वो भी यहाँ पर आपको सेम टू सेम मिल रहा है, और जो थीम है उसका भी यहाँ पर सेम टू सेम आपको मिल रहा है। थोड़ा सा इसका स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से इसका थीम अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। ये दोनों वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो इनका मेंबर काउंटिंग है वो भी यहां पर सेम टू सेम दे रखा है। अगर यहां पर ओरिजिनल वाला पेज आप देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देना चाहता हूं। यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 983 प्लस और डिस्ट्रीब्यूटर 2247 प्लस, ये है आपका ओरिजिनल वाला का। और हम यहां पर चलते हैं फर्जी वाले पे, तो यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने भी यहां पर काउंटिंग बिल्कुल सेम टू सेम लिख रखा है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 983 प्लस और डिस्ट्रीब्यूटर 2247 और टच पॉइंट या फिर यहां पर जो भी है रिटेलर वगैरह, सारा चीज यहां पर जो काउंटिंग है सेम टू सेम यहां पर लिख रखा है, ताकि लोगों को पता ना चले कि ओरिजिनल कौन है और यहां पर फर्जी कौन है। यहां पर देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर रियल वेबसाइट होता, उनकी मकसद मेहनत करके आगे बढ़ने की होती, तो किसी दूसरे का कॉपी नहीं करता, किसी दूसरे के नाम से वेबसाइट नहीं बनाता, और नहीं किसी की सेम टू सेम वेबसाइट की कॉपी करता, सेम टू सेम थीम हो या सेम टू सेम यहाँ तक कि मेंबर भी उसने काउंटिंग कर रखा है। इंडिया में नाम की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। अगर उसकी इरादा नेक होती तो एक यूनिक लोगो बनाता, यूनिक नाम से अपनी वेबसाइट को लॉन्च करता और मेहनत करके आगे बढ़ता। हालांकि इजीपे कंपनी ने इस फर्जी वेबसाइट बनाने वाले के ऊपर FIR करा दिया है, कानूनी प्रक्रिया हो चुकी है, बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि किसी दूसरे को कॉपी करना, किसी दूसरे को लोगों को इस्तेमाल करना, कंटेंट को इस्तेमाल करना, साथ ही साथ किसी दूसरे के नाम का यूज करना, किसी को बदनाम करना, ये कानूनन जुर्म है। तो कभी भी आप इजीपे से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़ चुके हैं तो अभी आप जाइए और URL को चेक कीजिए, कहीं आप भी बहकावे में आकर फर्जी वेबसाइट के साथ तो नहीं जुड़ गए हैं। क्योंकि अगर आप फर्जी वेबसाइट के साथ जुड़े होंगे तो 100% आपके साथ फ्रॉड हो सकती है। और अगर आपने अभी तक आईडी नहीं लिया हो और इजीपे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा URL चेक करना है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहां पर अगर फर्जी करने की कोशिश करता है, कोई भी किसी को कॉपी करने की कोशिश करता है तो लोगो सेम लगा सकता है, पोर्टल सेम बना सकता है, थीम सेम बना सकता है, कलर वगैरह सारा चीज सेम रख सकता है, पर ये जो URL है सेम नहीं रख सकता। क्योंकि जिस तरह से एक यूनिक ईमेल आईडी बनती है, यूनिक एक मोबाइल नंबर होता है, उसी तरह से यहां पर एक यूनिक URL होता है, तो URL को कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए URL को आपको ध्यान रखना है।